दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेरम मेटेलिकम के बारे में। ये इसका सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख करके फिर उसको देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि फेरम मेटेलिकम किन सारे सिम्टम्स पर दी जाती है। ये दोस्तों बेसिकली एलन कीनोट्स का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप एलन कीनोट्स के बारे में जानते हैं तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि एलन कीनोट्स में क्या क्या सिम्टम दिए गए हैं और उसको ईजली कैसे हम समझ सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों, अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फेरम मेटेलिकम एक हेमरेजिक डायथेसिस की मेडिसिन है। हेमरेजिक डायथेसिस का मतलब ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा जाने की प्रवृत्ति होती है, जिनके अंदर में ईजली ब्लड बहता रहता हो, तो वैसी कंडीशन में ये दवा ज़्यादा उपयोगी होती है। हेमरेजिक डायथेसिस के साथ साथ में इसका जो ब्लड होता है वो ब्लड बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होता है, बिल्कुल चमकीला लाल रंग का होता है। ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है फेरम मेटेलिकम। साथ ही साथ में ऐसे पेशेंट जिनके अंदर में कोगुलेशन की प्रवृत्ति होती है, मतलब जल्दी से ब्लड जम जाता है, तो वहाँ पर फेरम मेटेलिकम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इस सिम्टम पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फेरम फॉस, इपिकाक और फास्फोरस के साथ में। फेरमेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि जो भी पेशेंट भोजन किया है वह अगर रीगर्गिटेट हो जाए, यानी कि ऊपर की तरफ आकर के मुंह में चला आए, डकार भी आए इसके साथ में, तो वैसी कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है फेरम मेटेलिकम। इस सिम्टम पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एल्यूमिना के साथ में। इस सिम्टम के साथ साथ में फेरम मेटेलिकम के अंदर जो पाया जाता है कि बिना मिचली आए, मुँह के अंदर डकार आए, या जो खाना अंदर खाया हुआ है वो अगर रीगर्गिटेट होकर के मुंह के अंदर आ जाए वापस, तो वैसी कंडीशन में फेरम मेटेलिकम बहुत अच्छी दवा है। एल्यूमिना में और फेरमेट में अंतर क्या है? फेरमेट में बिना मिचली के ये होता है, जबकि एल्यूमिना में मिचली के साथ भी हो सकता है। फेरम मेटेलिकम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि पेशेंट को या तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन इसके साथ में एक सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होता है, वो होता है कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं या खाद्यान्न हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा अरुचि होती है, पेशेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है खाना। इस सिम्टम पर बहुत अच्छा काम करती है फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम एक बहुत अच्छी दवा है वॉमिटिंग की भी। ऐसे पेशेंट जो ये बताते हों कि रात में 12 बजे के बाद तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है, तो इस सिम्टम की बहुत अच्छी दवा है फेरम मेटेलिकम। इसके साथ साथ में फेरम मेटेलिकम ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है जब पेशेंट ये बताए कि खाना खाने के तुरंत बाद वोमिटिंग हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर वोमिटिंग हो जाए तो वहाँ पे फेरम मेटेलिकम बहुत अच्छा काम करती है। एक बहुत ही बेहतरीन सिम्टम है फेरम मेटेलिकम का कि पेशेंट खाना खाते खाते उठ करके चला जाता है और बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी एफर्ट के साथ में वोमिटिंग कर देता है। थोड़ा ही एफर्ट करने के बाद में सारा वोमिटिंग कर देता है और वापस आकर फिर से खाना खाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है फेरम मेटेलिकम का। ऐसे सिम्टम पे फेरम मेटेलिकम बहुत अच्छा काम करती है। जो वोमिटिंग निकलती है उसके अंदर में सॉरनेस यानी खट्टापन, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस सिम्टम पे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं लाइकोपोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। डायरिया की एक बहुत अच्छी दवा है फेरम मेटेलिकम। रात के समय होने वाला डायरिया जिसमें स्टूल में बिना भोजन पचे हुए पास अगर हो जाए, तो उस डायरिया की बहुत अच्छी दवा है फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करती है। जब भी कोई पेशेंट खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद अगर उसको डायरिया हो जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस सिम्टम पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्रोटन टिक के साथ में। इसके साथ साथ में ऐसी डायरिया जो कि पेनलेस हो, कोई दर्द ना हो, और उसके साथ में भूख भी बहुत अच्छी लगे, मतलब डायरिया करने के बाद भी पेशेंट अच्छे से अपनी भूख को तृप्त कर पाए, अच्छे से भोजन कर पाए, तो वहाँ की एक अच्छी बहुत अच्छी दवा है फेरम मेटेलिकम। और साथ साथ में ऐसे पेशेंट जो कि टीबी या यचमा से पीड़ित हैं, उनको होने वाले जो डायरिया होती है उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। फेरम मेटेलिकम कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवा है, और ऐसी कंडीशन में जब आंत प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता हो, आंतों की कमजोरी की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तो वहाँ पर फेरम मेटेलिकम बहुत ज़्यादा यूजफुल दवा है। कभी कभी प्रेशर तो लगता है, स्टूल जाने की हाजत तो होती है, लेकिन स्टूल होता नहीं, वैसी कंडीशन में अगर कॉन्स्टिपेशन इस तरीके का है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी काम करती है फेरम मेटेलिकम। मल बहुत कठोर होता है, बहुत कठिनाई से होता है, और उसके साथ साथ में कमर में दर्द और रेक्टम के अंदर में अगर ऐठन जैसा दर्द हो,
तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है फेरामेटेरिकम। बच्चों को होने वाले गुदाभ्रंश या प्रोलैप्स ऑफ रेक्टाई जिसको कहते हैं, उस कंडीशन की एक बहुत अच्छी दवा है फेरामेटेरिकम। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ में अगर रात में लैट्रिन के रास्ते में अगर खुजली हो तो उसकी एक बहुत अच्छी दवा है फेरामेटेरिकम। फेरामेटेरिकम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम होता है कि फेरामेटेरिकम चूँकि वीक होता है, बहुत ज़्यादा टहल नहीं पाता, लेकिन उसको टहलने से बड़ा आराम मिलता है। पेशेंट जब टहलता है धीरे धीरे करके तो उसको आराम महसूस होता है, यद्यपि वो वीक होता है, बाध्य हो जाता है लेटने के लिए, बावजूद उसके टहलने में पेशेंट को आराम मिलता है। तो जब भी कोई पेशेंट इस तरह से बताए कि वीकनेस तो है, मन तो करता है लेटने का, लेकिन टहलने में आराम मिलता है, वैसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है फेरामेटेरिकम। फेरामेटेरिकम एक बहुत अच्छी दवा है कफ की भी, खांसी की एक बहुत अच्छी दवा है। आप सोच रहे होंगे कि फेरामेटेरिकम खांसी में कहाँ यूज होती है, लेकिन दोस्तों खांसी में बहुत यूज होती है, लेकिन एक सिम्टम पे, वो सिम्टम ये है कि खांसी अगर केवल दिन में ही आए तो वैसी कंडीशन में फेरामेटेरिकम बहुत ज़्यादा यूजफुल दवा है। इस सिम्टम पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं यूफ्रेशिया के साथ में। यूफ्रेशिया में भी खांसी केवल दिन में ही आती है। इसका एक एम्ब्रोशन का सिम्टम होता है कि अगर खांसी में लेटने पर आराम मिल जाए तो वैसी कंडीशन में फेरामेटेरिकम बहुत अच्छी दवा है। साथ ही साथ खाना खाने से अगर पेशेंट की खांसी में आराम मिले तो बिल्कुल अच्छी दवा है फेरामेटेरिकम। खांसी में अगर खाना खाने पे आराम मिले, उस पर एक और मेडिसिन आती है, उसको कंपेयर आप कर सकते हैं, वो है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा में भी है ये सिम्टम कि खांसी में खाना खाने से आराम का मिलना। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रकार की खांसी हो आप उसको ठीक कर सकते हैं। फेरामेटेरिकम एक बहुत अच्छी दवा है ड्रॉपसी की भी, बॉडी में अगर स्वेलिंग हो जाए तो वैसी कंडीशन की एक बहुत अच्छी दवा है फेरामेटेरिकम। स्पेशली उस कंडीशन में जब वाइटल फ्लूइड्स अगर लॉस होता है, शरीर से ज़्यादा ब्लड निकल जाए, शरीर में से जितनी वाइटल फ्लूइड्स है वो अगर लॉस हो जाए, उसकी वजह से अगर शरीर में सूजन आ जाए, तो वैसी कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है फेरामेटेरिकम। कभी कभी इस तरह की ड्रॉपसिकल जो कंडीशंस होती हैं वो इस वजह से भी होती हैं कि कभी फीवर में अगर क्विनिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, मलेरियल फीवर में क्विनिन का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, या इंटरमिटेंट फीवर में इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, उसका दुरुपयोग कर दिया जाए बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से अगर शरीर में सूजन आ जाए, तो वैसी कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है फेरामेटेरिकम। अगर सप्रेस्ड इंटरमिटेंट फीवर है, उसकी वजह से अगर शरीर में स्वेलिंग आ गई है, तो इस सिम्टम पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कार्बोवेज और चाइना के साथ में भी। उसके अंदर भी ये सिम्टम पाया जाता है कि सप्रेशन अगर हो इंटरमिटेंट फीवर का, तो उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं ये दोनों मेडिसिंस, कार्बोवेज और चाइना, साथ में फेरामेटेरिकम भी। फेरामेटेरिकम की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है एल्यूमिना और चाइना। एल्यूमिना और चाइना की अक्सर आवश्यकता पड़ती है फेरामेटेरिकम के पहले या बाद में, आप देखेंगे कि ये उसके काम को बहुत अच्छे से पूरा कर देती है। चाइना वेजिटेबल एनालॉग है फेरामेटेरिकम की। वेजिटेबल एनालॉग का मतलब क्या हुआ? वेजिटेबल एनालॉग का मतलब होता है कि चाइना चूँकि वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन है और फेरामेटेरिकम केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है, तो इसकी जो वेजिटेबल फॉर्म में होती है वो होती है चाइना, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है ये। तो चाइना इसकी जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं, आइदर वो एक्यूट हैं या क्रॉनिक हैं, उनको ये पूरा करने में बहुत मदद करती है, उसको पूरा करने में पूरा सहयोग देती है चाइना। इसलिए फेरामेटेरिकम के बाद में चाइना की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों सिफिलिस की कंडीशन में फेरामेटेरिकम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिफिलिस में अगर आप फेरामेटेरिकम का इस्तेमाल करते हैं तो ये कंडीशन को एग्रीवेट कर देती है, बढ़ा देती है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान देना। फेरामेटेरिकम की जो तकलीफें होती हैं दोस्तों, वह आराम करने पर, बैठने पर, स्पेशली रात में जब आप आराम कर रहे होते हैं तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, विशेष करके जब आप बिल्कुल शांत बैठते हैं तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, और आराम मिलता है गर्मी के दिनों में या फिर टहलने पर पेशेंट को आराम मिलता है। तो दोस्तों ये सारी बातें रही आज फेरामेटेरिकम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ये बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन रहा है वो एलन कीनोट से रहा है। अगर आप एलन कीनोट्स के बारे में जानते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको समझने में एलन कीनोट्स को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मेरे जो भी वीडियोस होते हैं उसमें आपको एलन कीनोट्स की जो मेडिसिन होती हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से करता हूँ। और भी वीडियोस हैं, उनको जाकर के आप देखिएगा वहाँ पे। अगर वो एलन कीनोट्स के अंदर में अवेलेबल हैं तो उनको आपको ईजी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरी वेबसाइट है डॉक्टर केके पांडे.com, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ब्लॉग पढ़ने में
या आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।